हेलो नमस्ते, मैं पूनम चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान के ऊपर स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, पिंक आई इन्फेक्शन, आई फ्लू या जिसे आम भाषा में आँख का आना भी कहते हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है और जब ये हो जाए तो क्या करना चाहिए, घर पर आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इसे फैलने से कैसे बचाया जा सकता है, अपने आप को आप इस इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं, तो ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ डोंट स्किप माय वीडियो। बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। तो जो ये आँख का वाइट वाला पार्ट होता है, इस वाइट वाले पार्ट पर जब कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है तो जो इसकी ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स के अंदर वो बैक्टीरिया वायरस इरिटेशन कॉज करता है, सूजन क्रिएट करता है और उस सूजन की वजह से ये जो वेसल्स हैं वो ज़्यादा उभर के दिखाई देती हैं, यानी कि हल्की लाल कलर की या हल्की पिंक कलर की दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से हम इसे पिंक आई इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए कौन कौन से वायरस बैक्टीरियाज रेस्पॉन्सिबल हैं। तो इसके लिए हर्पस जॉस्टर, हर्पस वायरस, वेरिसेला जॉस्टर वायरस, एडिनो वायरस, स्टेप्लोकोकल निमोनाई, हिमोफेलस इन्फ्लुएंजाई, यानी कि ये वायरस और बैक्टीरियाज कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से पता चला सकते हैं कि आपको कहीं कंजक्टिवाइटिस तो नहीं हो गया है, यानी कि इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हैं। अगर आपकी आँख का रंग हल्का लाल या हल्का गुलाबी दिखाई दे रहा है, आपकी आँख में स्वेलिंग है, जलन है और उसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आँख में कुछ चुभ रहा है, यानी कि फॉरेन बॉडीज ऐसा लग रहा है, आपका मन हो रहा है कि आप आँख को मसल लें अच्छे से, आँख में खुजली हो रही है, लाइट की तरफ देखने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा रोशनी में या धूप में आप नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको धूप में देखने में दिक्कत हो रही है, इसके अलावा जो लेंसेस लगाते हैं उस लेंस में अगर अनकंफर्टेबल आपको फील हो रहा है, आपकी आँख से अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, यानी कि अगर आप सोए और मॉर्निंग में खासकर जब आप सोए तो ये पीले कलर का यहाँ पर एक पस जैसा जम गया है जिसकी वजह से आपकी आँख खुल नहीं पा रही है, उसके अलावा कुछ कोल्ड यानी कि आपको जुखाम जैसा लग रहा है, नाक से पानी आ रहा है, आँख से पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं, गले में खराश हो रही है, हल्का बुखार जैसा लग रहा है, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं कंजक्टिवाइटिस के, ये कंफर्म करते हैं कि आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से फैलता है। तो ये डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट से और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी में या तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से या इनडायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से फैल सकता है। आजकल ये स्कूल के बच्चों में इंडिया में इतना ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि वो बच्चे एक दूसरे की केयर करना नहीं जानते हैं, उन्हें पता नहीं है कि किस तरीके से इसे बचा जा सकता है और वो एक ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो उनको, स्कूल के बच्चों को ज़रूर दिखाना। अब बात करते हैं कि अगर मेरी इस आँख में कंजक्टिवाइटिस हो रखा था और मैंने इस आँख को रगड़ा, यहाँ से मैंने दूसरी आँख को भी इसी हाथ से रगड़ दिया बिना धोए, तो जो बैक्टीरिया वायरस थे वो यहाँ से यहाँ आ गए और एक आँख से दूसरी आँख में हो गया। इसके अलावा अगर मैंने ये मेरी आँख रगड़ी और मुझे कंजक्टिवाइटिस है, मैंने किसी से हाथ मिलाया तो ये जो वायरस बैक्टीरियाज थे ये दूसरे के हाथ पे गए और इसने अगर बिना हाथ धोए ये यहाँ लगा लिया तो ये बैक्टीरिया वायरस उसकी भी आँख पर चले गए, इसलिए ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। उसके अलावा अगर किसी ने एक दूसरे का मेकअप का सामान यूज़ किया, जैसे काजल है, मस्कारा जैसी चीज़ें एक दूसरे की यूज़ करने से, चश्मा एक दूसरे जिसकी आँख में कंजक्टिवाइटिस है उसका, अगर आप रूमाल, तकिया, तौलिया, मेकअप का सामान
या फिर चश्मा यूज करते हैं तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कि कंजक्टिवाइटिस आपको हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो जब भी आप किसी से अगर हाथ मिलाते भी हैं तो हाथ मिलाने के बाद में बॉडी में उसे कहीं भी टच ना करें, सीधा जाके हाथ धोएं और अपनी आँख को टच नहीं करना है। आप पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में हैं, आप ऑफिस में हैं, तो आपको बिना धोए अपने फेस पर हाथ टच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हो सकता है वहाँ पर किसी का कंटामिनेटेड पर्सन का आंसू गिरा हो, या फिर वहाँ उसने छींका हो, उसने खांसा हो, उस वजह से वो बैक्टीरिया वायरस गिर गया हो और जब आप टच करेंगे तो वो आपकी आँख में जा सकता है। और किसी का रूमाल, तकिया, कंघा, मेकअप का सामान, चश्मा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और स्कूल के बच्चों को एक दूसरे की पेंसिल, कॉपी और स्केल्स, जो स्कूल के जो मटेरियल्स होते हैं वो यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि अगर उस बच्चे को हुआ तो उसने टच किया होगा अपना मटेरियल और उस मटेरियल को जब आप टच करेंगे तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन को कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो घर पर क्या उपाय करें। तो आप पानी को गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद में जब तक वो हल्का गुनगुना नहीं हो जाता है तब तक उसे रखिए। हल्का गुनगुना होने के बाद में उसमें कॉटन बॉल्स डालिए, यानी रुई की छोटी छोटी बॉल बनाइए और उन बॉल्स को लेकर के इस तरीके से आँख को बंद करके इस तरीके से साफ कीजिए। और ध्यान रहे, एक बॉल से एक बार में ही साफ करना है। और साफ करने का तरीका ये है, एक बार साफ करने के बाद में उस बॉल को फेंक देना है। इसके अलावा आइस यानी कि बर्फ़ से आप सेक कर सकते हैं। एक सूती कपड़ा लें, उसमें बर्फ़ रखें, बर्फ़ रखने के बाद में अपनी आँख पर इस तरीके से उस बर्फ़ को रखें जब तक कि आपको ठंडा महसूस ना हो, यानी कि ये आप घर पर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और डॉक्टर इसमें किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल आई ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट या फिर टैबलेट्स दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम जैसा है तो आपको पैरासीटामोल, सिट्राजिन जैसी टैबलेट्स दे सकते हैं। कौन कौन सी आई ड्रॉप्स देते हैं? लिवोफ्लॉक्सासिन, सिफ्लॉक्स, ऑफ्लोफ्लॉक्सासिन और आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स, ये कुछ आई ड्रॉप्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, इनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और जिस टाइम से जितने बार बताए उस तरीके से आपको लेना है। अब ये वीडियो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्कूल के बच्चों को ज़रूर दिखाना, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपको किसी और टॉपिक पे हेल्थ रिलेटेड, किसी और बीमारी, किसी और इन्फेक्शन के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं उस पे ज़रूर वीडियो या फिर आपको ज़रूर अपडेट दूंगी उस टॉपिक के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वहाँ पर।